नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। यमुना विकास प्राधिकरण की एक और न्यूज अपडेट। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भले ही अभी तक किसी बड़ी परियोजना पर काम शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन एक के बाद एक बड़ी परियोजनाओं के प्राधिकरण प्लान बनाने में लगी हुई है। अब थीम पार्क की बारी है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में यमुना सिटी में एक थीम पार्क बनेगा। इस थीम पार्क में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं से संबंधित तमाम मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। अभी तक नोएडा ग्रेटर नोएडा में कहीं भी थीम पार्क नहीं है। यह थीम पार्क यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र का एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। कहां बनेगा यह थीम पार्क, कितने एकड़ भूमि में बनेगा यह थीम पार्क और क्या खास बात होगी इस थीम पार्क में, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। यमुना विकास प्राधिकरण के यमुना सिटी में जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के समीप अत्याधुनिक सुविधाओं वाला थीम पार्क बनाया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यमुना सिटी में बनने वाला यह थीम पार्क 100 एकड़ से अधिक जमीन में स्थापित होगा। इसमें सी पार्क, वाटर पार्क के साथ साथ कार्टून पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2024 से जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी, वहीं 2023 में फिल्म सिटी का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही शहर के लोगों और शहर में बाहर से आने जाने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर परिवार के लोग छुट्टी के दिन मौज मस्ती और मनोरंजन का लाभ ले सकें। इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यमुना विकास प्राधिकरण ने थीम पार्क की योजना बनाई है। 100 एकड़ में बनने वाले इस थीम पार्क में वाटर पार्क भी बनाया जाएगा ताकि लोग गर्मियों में इसका लुत्फ उठा सकें। वाटर पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा। यीडा सिटी में बनने वाले थीम पार्क में सी पार्क भी रहेगा। इसमें पानी के अंदर खेल कूद के इंतजाम किए जाते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं और बच्चों के लिए कार्टून पार्क भी बनाया जाएगा। इसमें बच्चों की पसंद के कार्टून होंगे। यीडा के अधिकारियों के अनुसार देश दुनिया के थीम पार्कों का अध्ययन करने के बाद ही यीडा शहर के इस थीम पार्क के प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। जो कंपनियां थीम पार्क बनाती हैं, उन कंपनियों के साथ यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी अगले सप्ताह मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के बाद ही थीम पार्क की योजना को आगे परवान चढ़ाया जाएगा। थीम पार्क बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करने के बाद प्राधिकरण के अधिकारी इसके लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालेगा। RFP से तय होने वाली सलाहकार एजेंसी से DPR बनवाई जाएगी ताकि इस बड़ी परियोजना को जल्दी ही काम शुरू किया जा सके। यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह के अनुसार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लोगों के लिए थीम पार्क बनाया जाएगा। इसको बनाने वाली कंपनियों के साथ जल्दी ही बैठक होगी ताकि परियोजना पर जल्दी ही काम शुरू किया जा सके। यमुना सिटी में थीम पार्क की यह न्यूज अपडेट देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। आसपास की बड़ी खबरों, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना विकास प्राधिकरण की खबरों की न्यूज अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।